SIIT College, CGO. Today we are here to discuss the basics of our syllabus BT-104, that is Basic Electronics and Electronics Engineering. So friends, it is comprising of 5 units, unit number 1, 2, 3, 4 and 5. Already 1 to 4 have been discussed by my fellow. Now I am going to discuss unit number 5, which is Digital Electronics. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट का नाम हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. सो स्टार्टिंग की हमारी यूनिट फर्स्ट से फोर है, जो कंसर्न किसे करेंगे, इलेक्ट्रिकल से. नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जो आएगा हमारा वो लास्ट में दिया हुआ है, जो कि हमने जनरली सिलेबस में है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा वॉट इज दिस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. सो डिजिटल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स विच विल कंसर्न विद digits, that means 0 and 1 form. So in this unit we will first discuss regarding number system. So number system will be of 4 types: binary number system, then octal number system, decimal number system and hexadecimal number system. So, in jo 4 system ke maine aapko naam bataye hain, inka differentiation mein differentiate bhi karte hain ya categorize karte hain to unke base ke upar depend karta hai. Jaise hum abhi baat kar rahe hain ki hamara number system binary hai to uska base aapka 2 hoga, octal hoga to base uska 8 hoga, then decimal ka base 10 rahega aur hexadecimal ka aapka base 16 rahega. To hum yahan par different type of number system ki study karenge, fir unka ek se dusre mein conversion ko bhi samjhenge, how can we convert from one system to another system. अब इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम नंबर सिस्टम क्यों पढ़ना चाहते हैं. हम जानते हैं कि एक सब्जेक्ट से ही दूसरे सब्जेक्ट का आगे आगे आता है, सिलेबस बढ़ता है. जैसे इलेक्ट्रिकल से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए कि हम कहाँ पहुँचे, कंप्यूटर का एवोल्यूशन हुआ है. तो कंप्यूटर के एवोल्यूशन के अंदर हम जो डील करते हैं वो जनरली हम नंबर सिस्टम से ही करते हैं. जो हमारे डिजिटल जो लॉजिक बात कर रहा हूँ 0-1, उसी की भाषा हमारा कंप्यूटर समझता है. इसलिए हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि हम क्यों नंबर सिस्टम पढ़ना चाहते हैं. नंबर सिस्टम के बाद हम आगे आते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ है लॉजिक गेट्स. लॉजिक गेट्स भी आपके 6 टाइप्स के होते हैं, इसके अंदर हम बात करेंगे. एंड गेट है, और गेट है, नैंड गेट है, नॉर गेट है, एक्सऑर गेट है और एक्सनॉर गेट है. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट सिस्टम है, जिसके अंदर एक्चुअली कोई भी सिस्टम होगा तो उसके दो पार्ट होते हैं, अच्छे से जानते हैं आप. एक हमारा इनपुट साइड होता है, दूसरा हमारा होता है आउटपुट साइड. बीच में जो यूनिट होती है वो होती है हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस. तो उस प्रोसेसिंग डिवाइस के हिसाब से हमको आउटपुट मिलता है. तो ऐसे ही लॉजिक गेट के केस में होता है, जनरली हम इनपुट वहां पर दो प्रोवाइड करते हैं, 2 इनपुट्स आर गिवन एंड वी विल गेट द आउटपुट एट द आउटपुट साइड. तो हम लॉजिक गेट्स मतलब लॉजिक डेवलप करते हैं. लॉजिक डेवलप करके हम डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट कॉम्बिनेशन सर्किट, उनके अंदर उसको हम अप्लाई करते हैं. लॉजिक गेट के बाद उससे जुड़ा हुआ है हाफ एडर एंड फुल एडर. जो भी हम डील करेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मोड रहेगा इसके अंदर. तो हाफ एडर सर्किट और फुल एडर सर्किट हम बात कर रहे हैं, ये दोनों सर्किट लॉजिक गेट से मिलकर बनते हैं. तो एक सर्किट से दूसरा, सॉरी एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक हमारा जुड़ा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं. तो लॉजिक गेट का हम यूज करके आगे कहां जाएंगे, हाफ एडर सर्किट पर, फुल एडर सर्किट पर. वहां पर हम एंड गेट, एक्सऑर गेट, इनके कॉम्बिनेशन को यूज करके हाफ एडर बनाते हैं, ऐसे ही हम फुल एडर सर्किट बनाते हैं. डिफरेंस इतना आता है, हाफ एडर के अंदर भी हम इनपुट दो प्रोवाइड करेंगे, एक हमको आउटपुट मिलेगा, सम मिलेगा और कैरी जनरेट होगी. फुल एडर में हम इनपुट 3 देते हैं, 3 इनपुट देते हैं वहां पर. तो ये हमारा डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएट कर दिया हमने, हाफ एडर कैसा है हमारा, फुल एडर सर्किट. इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर रहती है वो हमारी है सेमी कंडक्टर डिवाइसेस. आपने 11th-12th लेवल पे सेमी कंडक्टर के बारे में कुछ पढ़ा हुआ है, उसी को आगे हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ पर, एक बार उसको रिव्यू भी करेंगे जब क्लास में आप आएंगे. तो सेमी कंडक्टर डिवाइस की हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर आप देखते हैं पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को लेके हम सेमी कंडक्टर को बनाते हैं. आप जानते हैं अच्छे से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का रिकम्बिनेशन करते हैं, उससे हम आगे बढ़ते हैं. तो पी टाइप डिवाइस या एन टाइप डिवाइस को हम बनाते हैं पी एन जंक्शन डायोड. डायोड का अलग अपना फंक्शनिंग है, डायोड के आपके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक आपका होता है एनोड, एक होता है आपका कैथोड. इन डायोड की हेल्प से आप आगे एप्लीकेशन करते हैं, जैसे आप आगे रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं और भी कहीं हमारे सर्किट से वहां पर उसको यूज कर सकते हैं. ऐसे ही डायोड के बाद, डायोड के अंदर जनरली हम जानते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं डायोड को बनाने के लिए. इनकी फीचर्स को देखते हुए इनको चुना गया है. गैलियम भी है उसके अंदर, लेकिन हम सिलिकॉन जर्मेनियम को प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको यूज करते हैं. उसके बाद एक टॉपिक उसमें आता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर.
डायोड को जैसे मैंने बताया आपको कि दो टर्मिनल डिवाइस है, एनोड कैथोड इसके अंदर है। यदि हम बीजेटी की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर मींस बाइपोलर का मतलब है दोनों साइड से हम इसको फंक्शनिंग कर सकते हैं। एक होता है एफईडी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो कि होता है यूनिपोलर डिवाइस। तो बीजेटी की बात करेंगे वहां पर तीन टर्मिनल हो जाएंगे हमारे, कलेक्टर इमिटर बेस। इसके हम अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करते हुए कॉमन कलेक्टर कॉमन बेस या कॉमन इमिटर, इनके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस को हम पढ़ेंगे और फिर कैसे उनको हम सर्किटरी में इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में यूज करते हैं ये हम यहाँ पर इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। सो दिस इज ऑल कंसर्निंग विद दिस डिजिटल इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कुछ पार्ट और भी हैं, फ्लिप फ्लॉप भी इसके अंदर दिए हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट भी दिए हैं, आर एस फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप है। ऑल दीज टॉपिक्स आर कंसर्निंग विद दिस जीरो एंड वन लॉजिक, इन्हीं का हम यूज करेंगे। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट जो आप पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसका बहुत यूज है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज आप देख रहे हैं कोई भी आप कंट्रोलिंग करते हैं, पहला पार्ट तो होता है जनरेशन का, हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल का मतलब जनरेशन, पहला जनरेट करेंगे फिर उसको हम ट्रांसमिट करेंगे फिर हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो हमारा पावर सिस्टम वाला पार्ट हो गया। इसके बाद कंट्रोलिंग पार्ट की हम बात करेंगे तो कंट्रोलिंग पार्ट में हम इलेक्ट्रिकल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स को भी जोड़ते हैं जिसके अंदर कंट्रोल सिस्टम भी आता है। अभी आपने देखा है 4-5 दिन पहले आपने व्यू सुनी है चंद्रयान की लैंडिंग जो हुई है, तो उसमें एक ही ब्रांच का पूरा हम बोलेंगे योगदान नहीं है, सभी का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ये सब आपस में और भी जो हमारे इसके साथ जुड़े हुए हैं सबके थ्रू हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग वाला पार्ट हम इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।